और खबर पटना से, जहां फतुहा रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, परिचालन बाधित है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगातार छात्र लगा रहे हैं और दो दिनों से लगातार छात्र उग्र आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में फतुहा रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। पूरी तरह से रेलवे परिचालन को छात्रों ने बाधित कर दिया है और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर लगातार छात्रों का जो आक्रोश प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और फतुहा स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। तस्वीर भी दिखला रहे हैं आपको, मौके पर कई सारे पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मरगूब आलम, इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मरगूब, फतुहा रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हंगामा, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल निश्चित तौर पर पूरे बिहार में स्थिति बन रही है। अभी मुजफ्फरपुर के साथ साथ अभी बक्सर में थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ था, मुजफ्फरपुर में हालांकि हंगामा शांत हो गया है, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले फतुहा रेलवे जंक्शन पर दोनों ट्रैक पर पुलिस के छात्रों ने जाम कर दिया है। एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर आक्रोश है। पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत हद तक बात मनती दिख रही है। और इस पूरे मामले में अधिकारी का कहना है कि उनको कहा गया है कि आप अपनी मांगों का एक मेमोरेंडम हमें दें और हम उस मेमोरेंडम को कह सकते हैं कि रेल मंत्रालय या रेल बोर्ड को भेजेंगे। तो फिलहाल बातचीत चल रही है और जल्द ही पुलिस अधिकारी को विश्वास है कि जल्दी ट्रैक खाली करा लिया जाएगा, लेकिन हंगामा को देखते हुए कई ट्रेनें आज भी लेट हो गई हैं। पटना फतुहा की तरफ से आने वाली जो पटना आती है या जो कह सकते हैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाती है, तो अप या डाउन स्थिति दोनों तरफ वही होती है। हालात के जो कि प्रदर्शन के कारण हालात ये होते हैं कि जहां तहां ट्रेनों को रेलवे प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है, इससे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कल इस साल से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर गया जिसमें राजधानी एक्सप्रेस भी था, तो बिल्कुल अभी स्थिति समान करने की कोशिश की जा रही है, फिलहाल अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उर्वशी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस समझाने बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन दो दिनों से लगातार छात्र जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है और इसकी जांच कराने की मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा और इसी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।